बारिश के कारण नई दिल्ली इलाके में इंडिया गेट के पास सड़क का एक हिस्सा धस गया है, जिसकी वजह से एक बड़ा गड्ढा बन गया है। तस्वीरें आप देखिए, सुबह के वक्त में ये सड़क का हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ धस गया। संभवतः नीचे की मिट्टी दबने के कारण सड़क नीचे धस गई और ये बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसके चारों तरफ फिलहाल बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि जो है कोई इस गड्ढे के करीब ना जा सके। गनीमत ये रही कि सुबह के वक्त जब ये गड्ढा बना, जब सड़क धसी, उस वक्त कोई हादसा नहीं हुआ। हालांकि चारों तरफ से बैरिकेडिंग की हुई है, इसके कारण ट्रैफिक जो है वो धीमा चल रहा है। तस्वीरें दिखाइए जरा वेद जी। और ये जो गड्ढा बना है, हम आपको बताएं कि ये इंडिया गेट सर्कल पर जिस जगह शेर शाह रोड आकर के मिलती है इंडिया गेट सर्कल में, उस जगह पर ये गड्ढा बना है। ये नई दिल्ली का वीआईपी इलाका है और वीआईपी इलाके में बरसात के कारण सड़क धस गई है। बताने की जरूरत नहीं है कि सड़क धसने से जो सड़क का निर्माण है, उसकी जो क्वालिटी है, उस पर सवाल उठते हैं। बहरहाल फिलहाल यहां पर बैरिकेड कर दिया गया है, बैरिकेडिंग के गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और वाकई तसल्ली की बात यह है कि कोई हादसा नहीं हुआ जब सड़क धसी। लेकिन एक बड़ा सवाल तो है ही कि नई दिल्ली के वीआईपी इलाके में हाईकोर्ट के सामने से जो सड़क आ रही है, इंडिया गेट सर्कल पर जो सड़क है, जहां पर कि राष्ट्रीय समर स्मारक है यानी नेशनल वॉर मेमोरियल है, ऐसी जगह पर सड़क का धस जाना वाकई एक अहम सवाल खड़ा करता है, गंभीर सवाल खड़ा करता है। कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली।